गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे श्याम 2021। तो गाइस आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। सॉरी गाइस, ये वीडियोस काफ़ी दिनों बाद आ रही है। गाइस थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम में कुछ ऐसी ऐसी होती हैं तो उसको सब फेस करना पड़ता है, इसलिए हर के साथ प्रॉब्लम होती है तो उसको फेस करना पड़ता है, इसलिए सॉरी जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फिर गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, वो सॉल्व होने के बाद मैंने टेलीग्राम पे मैसेज भी किया, जैसा कि आप लोगों ने सीन भी किया होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आती रहती। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि आप लोगों को प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लगा कि कैसे, मतलब कमेंट थे कि सर मतलब कि वीडियोज़ वगैरह अपलोड नहीं हो रही तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। तो मैं सोचा कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर बना देता हूँ, हालांकि टाइम की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि आपके लिए एक वीडियो ज़रूर हो जाए। तो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आप को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अब आपके लिए वीडियो आया करेंगी। हाँ, जब कभी कभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए करें तो वीडियोज़ नहीं आ पाएंगी, तो इसके लिए सॉरी है। और हालांकि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए पूरी वीडियोज़ वगैरह सारे जितने भी टॉपिक्स हैं तो अपलोड होते रहें। जैसे कि मुझे कुछ पता चला कि आप लोगों के एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं, कुछ लोगों के चल रहे हैं, कुछ लोगों के हो चुके हैं और कुछ लोगों के होने वाले हैं। तो जो लोगों के हो चुके हैं वो एक काम करें कि अपना फोर्थ सेम के लिए कुछ, मतलब स्टडी मटेरियल्स जो है अपना उसको अच्छे से बोला जाए तो ऑर्गेनाइजेशन कर लें और अपना प्रिपरेशन अभी तक से स्टार्ट कर लीजिए। तो गाइस वही बता रहा था कि आप लोग जिनके पे एग्ज़ाम वगैरह हो चुके हैं तो अपना सारे स्टडी मटेरियल्स ऑर्गेनाइजेशन करके रखें और फोर्थ सेम के लिए पढ़ाई करें। जैसे कि हो, जैसे ही मेरे को अब तो फोर्थ सेम के लिए भी कुछ मैं सारे जितने पेपर्स हैं मैंने अपलोड कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, मैंने शॉर्ट पे अपलोड किए हैं, तो उसके वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। और अब अभी थोड़ा सा थर्ड सेम के जिनके भी एग्ज़ाम वगैरह चलने वाले हैं उनके लिए कुछ और टॉपिक अपलोड कर दें, फिर उसमें अपन लोग फोर्थ सेम की ओर इंटर करेंगे। और फोर्थ सेम, हालांकि सभी लोग जैसे कमेंट करते रहते हैं तो उस तरह की वीडियो अपलोड हो जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, तो आज का अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, हालांकि टाइम की प्रॉब्लम तो रहती है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज अपन लोग पढ़ेंगे MSc बॉटनी थर्ड, MSc थर्ड सेम है इन बॉटनी सब्जेक्ट अपना है क्या, प्रोटीन सॉर्टिंग अथवा प्रोटीन टारगेटिंग, मतलब कि ये चीज़ टॉपिक है। और इसमें क्या है कि आप लोगों को जैसे ये जितना चीज़ मैं आपको नोट्स में लिखा हुआ है इसको मैं पूरा उसको बोर्ड में भी समझा सकता हूँ विदाउट कॉपी के, बट थोड़ा सा क्या है कि इसमें ज़्यादातर होता है कि पूरा एकदम लिखने वाला ही मैटर होता है, तो इसमें कई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए फटाक से मैं तो इसीलिए मैं ये जो ज़्यादातर आपके जितने भी टॉपिक्स होते हैं 100 में से 95 या फिर 80% जो होता है लिखने का ही होता है, 20% समझाने वाला होता है, इसलिए मैं कॉपी पे ही कर देता हूँ। लेकिन जैसे आप बोलेंगे तो मैं आपको बोर्ड में समझाने को उसमें कोई वो नहीं है। तो चलिए इसमें से जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम तो है तो जल्दी फटाक से आपको समझा देता हूँ। ये है इंट्रोडक्शन, प्रोटीन सॉर्टिंग इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। और हाँ, याद रखिए इसे प्रोटीन सॉर्टिंग मतलब PS भी बोलते हैं और PT भी बोलते हैं, मतलब PS से बोलते हैं प्रोटीन सॉर्टिंग और PT से बोलते हैं प्रोटीन टारगेटिंग, जो कि आपको यहाँ मिल रहा है PS या प्रोटीन टारगेटिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये नेक्स्ट पे है, इसको इसको भी आप अच्छे तरीके से देखते रहिएगा, थोड़ा टाइम नहीं है तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ठीक, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये टू टाइप का होता है, ये को ट्रांसमिशन एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये दोनों टाइप दिए हुए हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ज़रूर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें से जो मैकेनिज्म है, इसके में दो सिस्टम होते हैं जो कि आगे आपको दिखा रहा हूँ। ये दो सिस्टम होते हैं, इसमें से एक्सपोर्ट सिस्टम एंड इंपोर्ट सिस्टम है, ये दोनों सिस्टम जो होते हैं पूरा वर्कआउट करते हैं मैकेनिज्म पे। ठीक है, फिर इसके और जो डायग्राम वगैरह हैं तो डायग्राम आपको टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, साइटोसोलिक फैक्टर रिसेप्टर ये सब डिलीवर का निर्माण करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब यहाँ पास से एक थोड़ा सा ऐसे ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है जो कि अपन आ भी सकता है, व्हाट इज ट्रांस साइट, तो वही चीज़ है पूरा, यहाँ उसी का आंसर रिप्लाई है। ठीक, बना रहा हूँ,
फिर आगे है ये पूरा ठीक स्टेप वन और स्टेप टू ये कई स्टेप में भी होती है ठीक। ये तो ये ट्रांसमिशन प्रोटीन की तरह कार्य करती है। ये अपना इंपोर्ट सिग्नल ठीक। तो ठीक है इसमें इंपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस ये भी है ठीक है इनको भी देख लीजिएगा। फिर ये साइटोसोल स्टेक्रॉन है ये कई स्टेप में चल रहा है ठीक। तो गाइस ये थोड़ा सा क्या है कि ये थोड़ा सा जो अपना है ये थोड़ा ये जो है प्रोटीन सॉर्टिंग टॉपिक है ये थोड़ा सा काफ़ी हाई लेवल में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा है। तो आप एक काम करें यदि 7 नंबर पे आए तो आप थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखें। सातों टाइप जितने हैं 8 से 9 टॉपिक 10 है 10 टॉपिक में चलती है। तो गाइज मैं ये बता रहा था कि जैसे कि ये काफ़ी थोड़ा सा फेसेस इसमें ज़्यादा हैं तो आप एक काम करें इसमें जैसे 7 नंबर पे आए तो इसमें आपको क्या लिख देना है इसका इंट्रोडक्शन दे देना है और इसके जो 10 टॉपिक 8 या 10 टॉपिक हैं तो इसमें जैसे कि पूरे 8 या 9 इसके टॉपिक हैं तो उसी को आपको लिख देना है और लिख करके थोड़ा थोड़ा मतलब चार चार लाइन देना है सभी को और इंट्रोडक्शन दे देना है आउटलाइन ज़रूर दीजिएगा तो जाकर के आपको अच्छा 7 नंबर लाइक क्वेश्चन होगा। 20 नंबर पे आया है तो 20 नंबर पे आप सारा आप लिखिए और जितना आपसे मेंटेन हो सके आप उतना मेंटेन करके लिखिए है ना। तो आज के लिए इतना ही गाइस थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम होती है वीडियोज़ नहीं आ पाती हैं तो वो न माने की वीडियोज़ नहीं आएंगी वीडियोज़ अपलोड हुआ करेंगी थोड़ा हर चीज़ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो चलिए आज के लिए इतने टॉपिक हमारा प्रोटीन शॉर्टेज आने नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आप लोग कमेंट के अनुसार नहीं तो मैं आप लोग ऐसे ही बना दूंगा। और गाइस आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए है ना और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।